सूद तो भाई हम नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ ये है कि जो ड्यू कर्ज़ा है उसकी रकम ज़रूर अदा करेंगे, जो भी सदारती निज़ाम होगा उसमें जो भी सदर होगा वो अल्लाह ताला की तौफीक से कर्ज़ा ज़रूर उतारेगा। कैसे उतारेगा, अब ये सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान तो इस कदर कर्ज़ों में डूब चुका है कि बच्चा बच्चा लाखों का मकरूज़ है। तो होगा ये कि जब ये कोई भाई ने ना सही क्या कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश की है, तो देखें। कहते हैं कि जी ये बताएं ना कि शौक तो बड़ा है आपको जी पाकिस्तान में इस्लामी सिदारती निज़ाम आएगा, प्रेडिक्शंस भी बड़ी करते हैं, तो ये कर्ज़ा कैसे उतारेंगे पाकिस्तान का, एक बात। और दूसरी बात ये कि वो जो सदर साहब होंगे, खलीफा साहब होंगे या जो भी होंगे, तो वो सूद अदा करेंगे या नहीं। देखें जी, ला ताअतुल मखलूकी फ़ी मासियतिल खालिक, वादे हमने पूरे करने हैं, लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला की नाफरमानी आ जाए वहाँ पर हम वादे पूरे नहीं करेंगे, जेड़ा करना है कर लो। तो जो ये अल्लाह का उसूल जो है वो यहूद के लिए भी था, नसारा के लिए भी था, और ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का हुक्म है, तौरात में भी है, इंजील में भी है कि सूद हराम है, सूद जायज़ नहीं है। इस्लाम में सूद जायज़ नहीं था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सूद जायज़ नहीं था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ताला ने इंजील नाजिल फरमाई थी उसके मुताबिक भी। तो सूद तो भाई हम नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ ये है कि जो ड्यू कर्ज़ा है उसकी रकम ज़रूर अदा करेंगे, जो भी सदारती निज़ाम होगा उसमें जो भी सदर होगा वो अल्लाह ताला की तौफीक से कर्ज़ा ज़रूर उतारेगा। कैसे उतारेगा, अब ये सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान तो इस कदर कर्ज़ों में डूब चुका है कि बच्चा बच्चा लाखों का मकरूज़ है। तो होगा ये कि जब मिडल ईस्ट और ये सारे इलाके मुसलमानों के हाथों से जा रहे होंगे, यहाँ पर जंग का समा होगा, उसी इस्नाम में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ चुका होगा, तो पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ इलाकों से पूरी दुनिया से मुसलमान हिजरत करेंगे और टॉप माइंड्स यहाँ पर आएंगे। ना सिर्फ टॉप माइंड्स यहाँ पर आएंगे और आम लोग भी जो यहाँ पर आएंगे वो उन सबको अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, उनके जहनों को खोल देगा, उनको जैसे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मक्का मुअज़्ज़मा से निकाल कर मदीना मुनव्वरा में जब भेजा था तो उनको बरकतें दी थी, उनके ऊपर रहमतें नाजिल की थी, और वो मुसलमान के जो मक्का में महसूर थे, मक्का में जिनके अपने रिश्तेदार उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे, जहां से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपकर निकलना पड़ा, वही जब मदीना के स्टेट में जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत होती है, तो 22 लाख मुरबा मील और उससे भी ज़्यादा के इलाकों के ऊपर खिलाफत कायम करते हैं। तो यही मामला होगा। कौन सोच सकता था कि वो छुप कर निकलने वालों को अल्लाह ताला इतनी बड़ी ताकत अता फरमाएगा कि वो कैसर व किसरा के कंगन जो है सहाबा को पहनाए जाएंगे। तो यही मामला यहाँ पर भी होने वाला है कि जब खिलाफत का निज़ाम आ जाएगा, इस्लामी स्टेट बनेगी, तो अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें होंगी और पाकिस्तान ऐसे फले फूलेगा, तरक्की करेगा कि इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की रहमत से बरकत से पाकिस्तान बहुत जल्दी, कर्ज़ा क्या है पाकिस्तान के पास, तो इतना फालतू पाकिस्तान के पास जो है ना वो पैसे होंगे, इतनी स्पेयर होंगे कि कोई भूखा और कोई परेशान और कोई तकलीफ़ में नहीं रहेगा, बल्कि इतना स्पेयर रिस्क होगा कि लोगों को दिया जाएगा, कोई रिस्क लेने वाला नहीं होगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, कोई सदका लेने वाला नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इस कदर होगा। तो और जैसे रवायात में हमें मिलता है कि ख़ासकर जब इमामुल महदी का दौर होगा कि ज़मीन अपने ख़जाने को ज़मीन अपनी फसलें उगल देगी, कुछ भी नहीं रखेगी, सब उगा देगी, आसमान अपनी बारिश में से कुछ नहीं रखेगा, सब बरसा देगा, इस कदर रहमतें और बरकतें होंगी। और बाज़ रवायात में आता है कि सोना चांदी ये उगलेगी ज़मीन। तो इंशाल्लाह वो वक्त हम देखेंगे, तो पाकिस्तान का कर्ज़ा तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह।